मेरी रूह नैन की पुतली तीन पुतलियों की नैन तीन नैनों में राखूं मां सुख को जो मेरी रूह पावे सुख चैन। कितनी ऊंची बात कही है, लेकिन वाणी के अवतरण से कुछ साल पहले मीरा ने कितने भावों से कहा होगा, बसो मेरे नैनन में नंदलाल मोहन मूर्त सांवर सूरत नैना बने विशाल, नंदलाल मेरे नैनों में तुम बस जाओ। इसका भाव क्या होगा? जब कबीर प्रेम की मस्ती में डूबे तो क्या बोला? वाणी में कहा है, सब दरवाजे खोजे कबीरे पैकुंठ शून्य सब देख्या आखिर जाए के प्रेम पुकारिया तब जाए पाया अलिखा। बैकुंठ तक संसार की मर्यादाएं चलती रहीं, ज्ञान के आधार पर निराकार तक संसार में के ज्ञानी जन भटका करते हैं, आखिर जाए के प्रेम पुकारिया। जब प्रेम की पुकार होती है तो शरीर से परे हो जाना पड़ता है। रसखान को जब प्रेम का नशा चढ़ता है तो क्या करते हैं? वृंदावन बिहारी के मंदिर में घुसे जा रहे हैं, पुजारी जी पूछते हैं कि अरे पठान जी क्यों घुसे जा रहे हो? रसखान जी कहते हैं कि मेरे कन्ना ने जूता नहीं पहनना है, मैं अपना जूता पहनाने जा रहा हूं। आप जानते हैं कर्मकांडी लोग कैसा स्वागत करेंगे, उनको धक्के देकर के निकाल दिया जाता है कि तुम पठान होकर मंदिर में घुस रहे हो और वो भी जूता लेकर के जूता पहनाना है। रसखान को यह नहीं दिख रहा है कि मंदिर अशुद्ध हो गया, उनको तो दिख रहा है कि कान्हा के पैर में जूता नहीं है, उनको चलने में कष्ट होगा तो मैं जूता पहना करके रहूंगा। एक बार वाराणसी की घटना है, बाबू जब जीवन राम मंदिर में चले गए थे तो बनारस के पंडों ने पूरे मंदिर को धो दिया था। एक हरिजन छोटी जाति का आदमी मंदिर में घुस गया, हमारे भगवान को अशुद्ध कर गया। जगजीवन बाबू को बहुत बुरा लगा, उन्होंने मंदिर के समक्ष ही स्टेज लगा लिया और संस्कृत का ज्ञान था ही, उन्होंने पंडों को चुनौती दी कि तुम संस्कारार्थ कर लो, तुम्हें क्या मालूम है। वाणी बार बार पुकार करके कहती है, और सामान्य सी बात है, क्या साबुन में मैल लगा करती है? साबुन तो मैल धोने के लिए है। साबुन कहने लगे कि नहीं मैं अशुद्ध हो जाऊंगा तो पवित्र क्या करेगा? जिसका नाम पतित पावन है उसको ये छूत लगने लगे तो पतित पावन उसको नहीं कहलाना चाहिए। परमात्मा के मंदिर में छोटी जात के प्रवेश से यदि परमात्मा अशुद्ध होता है तो वो मूर्ति अशुद्ध होती है, लोगों के मनोभाव अशुद्ध होते हैं, परमात्मा कभी अशुद्ध नहीं हुआ करता। जिसको आप अशुद्ध मान रहे हैं उसके अंदर चेतना किसकी है? शंकराचार्य को भी अभी ये भेद था, बनारस की गलियों में गुजर रहे थे, सामने एक चंडाल आता है। शंकराचार्य कहते हैं, चंडाल हट मेरे सामने से, दिखता नहीं कि मैं स्नान करके आ रहा हूं। चंडाल रुक जाता है, कहता है कि आचार्य सूर्य आकाश में चमकता है, उसका प्रतिबिंब गंगा के जल में भी पड़ता है और तालाब के गंदे जल में भी पड़ता है, तो क्या सूर्य कलंकित हो जाता है? मेरा तन चंडाल का है, आपका तन ब्राह्मण का है, मेरे शरीर से दुर्गंध आ रही है, आपका शरीर सुंदर दिख रहा है, आप नवयुवक हैं 18 साल के, लेकिन दोनों के अंदर तो एक ही चेतना का प्रतिबिंब है। जब आप कहते हैं अर्थ श्लोकेन प्रवक्षामि यदिक्तम ग्रंथ कोटवि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म एवं न एव प्र, जब आप जीव और ब्रह्म में भेद नहीं मानते, सर्वम खलिदम ब्रह्म का उद्घोष करते हैं, तो एक चंडाल के अंदर रहने वाला ब्रह्म और एक ब्राह्मण तन के अंदर रहने वाले ब्रह्म में भी भेद कहाँ से हो गया? जब जीव और ब्रह्म में भेद नहीं मानते तो हमारे और आप में भेद कहाँ से हो गया? शंकराचार्य जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने अपने शिष्यों के सामने उस चंडाल के चरणों पर अपना सिर रख दिया। कहने का तात्पर्य क्या है? एकत्व का बोध हो गया, दोनों तनों में एक चेतना है। एक तन जब चंडाल के शरीर को देख रहा है तो उससे अशुद्धि की गंध आ रही है। मैं एक दूसरी घटना सुनाता हूं।
महावीर स्वामी संन्यास ले रहे थे। उस युग में चंडाल की छाया से बचा जाता था। राज परिवार के सब लोग उनको विदा करने जा रहे थे, अचानक बीच में एक चंडाल आ गया। चंडाल को सब लोग दुत्कारने लगे, इतने शुभ अवसर पर तू कहाँ से बीच में आ गया, तूने तो सारा कार्यक्रम ही अशुभ कर दिया। महावीर स्वामी की महानता सारी भीड़ को चीरते हुए निकलते हैं और उस चंडाल को पकड़कर सबके सामने गले लगा लेते हैं। सब लोग सन्न हो जाते हैं कि चंडाल रास्ते में आ गया था, हम उसको दूर हटा रहे थे और ये तो इसी चंडाल को पकड़ करके गले लगा रहे हैं। महावीर स्वामी अभी ज्ञान की अवस्था को प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन उनके हृदय में एक निर्मल हृदय है जो उस चंडाल को देखकर गले लगाता है। महावीर स्वामी यह नहीं देख रहे हैं कि यह चंडाल काला कलूटा है, या नहीं देख रहे हैं कि इसके शरीर से बदबू आ रही है, वो तो राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने उसकी चेतना को देखा। इसलिए जब आप रास ग्रंथ की चौपाइयों को पढ़ें तो आपने आज तक दुनिया में जो कुछ पढ़ाया है उन सबको किनारे कर दीजिए। शुद्ध शरीर, शुद्ध आत्मा के भाव में डूबिए, शरीर के भाव से ऊपर हो जाएंगे तभी आपको रास ग्रंथ समझ में आएगा। यदि आप परमधाम की रामतों को संसार की लीलाओं से आप तोलेंगे तो कहीं ना कहीं विकृति हो जाएगी और इसका परिणाम यही देखने में आ रहा है। रास ग्रंथ जहाँ निर्विकार बनाता है, लेकिन इसका गलत अर्थ करेंगे तो आदमी पाप के कीचड़ में डूब जाता है और आजकल यही हो रहा है। और इसका वास्तविक अर्थ न जाने के कारण जैसे रास ग्रंथ के 42 और 43 प्रकरण का गुही अर्थ न समझने के कारण प्रायः हमारे भी समाज के अधिकतर विद्वानों ने इसका उल्टा अर्थ किया था और संकोच बस इसकी चर्चा भी नहीं होती रही है। जिन्होंने लिखा भी उन्होंने विकृत भावना से लिखा, परिणाम यह हुआ कि समाज का एक बड़ा वर्ग गलत फहमी का शिकार हो गया था। यह रास की वाणी हमें शरीर से परे जाकर शुद्ध परम धाम के श्रृंगार में होकर राज्य के प्रेम में डूबने के लिए प्रेरित करती है। इस रास में विरह है, दोनों तरह का विरह। ब्रज से रास में जाते समय एक काल माया का विरह है कि बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ी, सबने अपना शरीर छोड़ दिया, यह नहीं सोचा कि क्या होगा। आप देखिए जब बच्चे का जन्म होता है पीड़ा तो उसको होती है क्योंकि बच्चा गंदगी में लिपटा होता है माता के गर्भ में। यदि किसी का शरीर जब छूटता है पीड़ा तब भी होती है। जब बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है तो नई दुनिया को देखता है। जिनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है, विवेक नहीं होता है, वैराग नहीं होता है, जब बुढ़ापे में मरने लगते हैं तो रोने लगते हैं कि मैं सबको छोड़ करके जा रहा हूं, कैसे क्या चलेगा। अज्ञानी व्यक्ति रोने लगता है, ज्ञानी व्यक्ति हंसने लगता है कि मैं अब तक शरीर के बंधन में था, अब मैं शरीर के बंधन से परे हो जाऊंगा। सोचिए जब शरीर छूटेगा, कल्पना कीजिए, हर कोई यदि अपने बारे में सोचे जब शरीर हमारा छूटेगा तो क्या होगा, क्या दिखेगा और कैसे शरीर छूटेगा। किसी को आप गला घोटने लगे तो कितना उसको कष्ट होगा। जब शरीर में से दसों प्राण, पंच प्राण एक साथ बाहर निकलेंगे कुछ ना कुछ कष्ट तो होगा, लेकिन वो पल भर में होता है। वो व्यक्ति जो उस पीड़ा को भोगता है बोल नहीं सकता। हाँ, जिन्होंने समाधि अवस्था को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने प्रीतम परब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया होता है, उनको कोई पीड़ा नहीं होती। पल भर में जीव शरीर से बाहर होता है और शरीर छूटते ही उनको परब्रह्म का सानिध्य पल पल प्राप्त होता रहता है। उनको ये संसार नहीं दिखता है, केवल परब्रह्म दिखता है। जिनको परब्रह्म का साक्षात्कार नहीं मिल पाया होता है शरीर छोड़ते समय, उनको ये संसार काला काला ब्रह्मांड दिखता है। यह संसार किससे बना है क्या आप बता सकते हैं? ये इतना चमकता हुआ सूरज दिख रहा है, बड़ी बड़ी गैलेक्सियां जिनमें करोड़ों सूर्य दिख रहे हैं, ये सब किससे पैदा हुए हैं? अंधकार से। अभी जो साइंटिस्ट मरा, स्टीफन हॉकिंस, सब नई पीढ़ी के लोग अच्छी तरह से जानते हैं,
बेचारा बोल नहीं सकता था, लेकिन उसी की खोज है ये ब्लैक होल तारे का जो सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी, उसी की खोज है। कैसे ब्रह्मांड बना? पहले क्या था? हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? तम असी तमसाम गूढ़म अग्रे, केवल अंधकार ही अंधकार था। उस अंधकार में पणों प्रतिबिंबित हुआ, सब लोग मानते हैं कि सबसे पहले ओम की ज्योति हुई, और उससे महाविस्फोट होता है, परमाणुओं में कंपन होता है, यानी प्रकृति के अंदर महातत्व बना, अहंकार बना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध गैलेक्सियां बनी, और वहां से ये पृथ्वी वगैरह सूर्य चंद्रमा सारे दिखने लगे। ये जो सूरज दिख रहा है, जो दूसरों को प्रकाश कर रहा है, ये तो खुद पैदा हुआ अंधेरे से। जब हम इस शरीर से परे हो जाएंगे कि हमारी चेतना का स्वरूप क्या है, तब हमें बोध होगा कि रास की वाणी में जहां अलिंगन शब्द है उसका अर्थ क्या है। मैंने आपको अभी दृष्टांत दिया था, एक वृद्ध चक्रवर्ती सम्राट अपने बरसों से बिछड़े हुए पुत्र को जब गले लगाएगा तो दोनों की आंखें आनंद से, खुशी से गिली हो जाएंगी, दोनों का हृदय एक हो जाएगा, और उसको कहते हैं हार्दिक प्रेम। यह अभी संसार के धरातल पर है। परम धाम के धरातल पर हम देखें, एक ही राज्य है, उन्हीं का दिल श्यामा जी के रूप में लीला कर रहा है, श्यामा जी का दिल सखियों के रूप में लीला कर रहा है, सखियों का दिल खूब खुशहालियों के रूप में लीला कर रहा है, खूब खुशहालियों का दिल पशु पक्षियों के रूप में लीला कर रहा है। हर कण आत्मा का स्वरूप है, हर कण प्रेम कर रहा है। आप घर पर कुत्ता पालते हैं, जब आप घर में प्रवेश करते हैं, आपका पाला हुआ कुत्ता आपके पैरों में लिपट जाता है, आपके पैरों को चाटने लगता है, तो आप कहते हैं, क्या कहते हैं, ये कुत्ता बहुत अच्छा है, हमसे बहुत लगाव रखता है, हमसे बहुत प्रेम करता है, उससे तो घृणा नहीं होगी। कदाचित आप कोई कर्मकांडी व्यक्ति हैं, मान लीजिए वैष्णव महात्मा है, वैष्णव महात्मा लोग अपने चौके में किसी को घुसने नहीं देते, पहले अब तो छूतछात नहीं है, पर आज से 25-30-40 साल पहले बहुत छूतछात थी। इस छूतछात का ऐसा तांडव होता था कि पंडित मदन मोहन मालवीय भी ब्राह्मण थे और दीनदयाल भी ब्राह्मण थे, लेकिन दोनों एक दूसरे का छुआ नहीं खा सकते थे। किस लिए? वो कहते थे कि इनका गोत्र छोटा है, मेरा गोत्र बड़ा है, ब्राह्मण ब्राह्मण का छुआ ना खाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। ब्राह्मण क्षत्रिय का छुआ ना खाए चलेगा, वैश्य का छुआ ना खाए छुए चलेगा, शूद्र का छुआ ना खाए, लेकिन वो कहे कि नहीं, वो हमसे छोटे छोटे गोत्र के, हम इनका छुआ नहीं खा सकते। ये छूत छात में इतना अडंबर है, वो छूत छात करने वाला व्यक्ति अपने बिस्तर पर भी किसी को नहीं बैठने देगा, शरीर छू जाए तो भी कहेगा कि तुमने हमें अशुद्ध कर दिया है। ये वैष्णव लोग बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उस प्रेम की रसधारा में डूबे हुए रसखान से पूछिए, क्या रसखान के पास कोई छूत छात है? क्या मीरा के पास छूत छात है? सूरदास के पास छूत छात है? जब ये शरीर से परे हो चुके हैं तो आप तो परमधाम की ब्रह्मात्मा होने का दावा करते हैं, आपको रास ग्रंथ में वर्णित इस आलिंगन शब्द से विकृत भावना नहीं लेनी चाहिए। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आपके साथ जो मानसिकता जुड़ी है, कई सुंदर साथ दबे स्वरों में कहते हैं कि रास में तो आलिंगन शब्द है, चुंबन शब्द है। आप एक बात बताइए, जब आप अपने 6 माह के बच्चे को गोद में खिलाते हैं तो क्या आप उसके माथे पर चुंबन नहीं देते? कितनी पवित्र भावना से एक माँ अपने बेटे के माथे पर चुंबन लगाती है। लेकिन जब रास में ये शब्द पढ़ा जाता है, क्योंकि हमने युवा शरीरों को देखा है जो संसार में विकृत विकारों वाले लोग करते हैं, तो हम अर्थ लगाते हैं कि राज्य भी यही करते हैं, तो ये तो पाप कर्म है। यहां से भटकाव शुरू हो जाता है और चौपाइयों का विकृत अर्थ होने लगता है। भागवत में भी इस तरह की बातें वर्णित हैं, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया, भागवत का वक्ता जो पौराणिक मान्यता में सुखदेव जी हैं, वो योगेश्वर हैं,
उनको स्त्री पुरुष का बंधन छू तक नहीं गया है, इसलिए वो रास के वर्णन में सफल हुए। रास के वर्णन का अधिकार व्यास जी को नहीं दिया जाता, किसी अन्य ऋषि मुनि को नहीं दिया जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं शरीर के बंधन से ऊपर हो नहीं पाए। अब यह वाणी की चौपाई यही कह रही है कि राज्य आपने इतना सुंदर रूप धारण किया है, आप हमें गले से क्यों नहीं लगा लेते। ये निर्णय करना अर्ष का तिनवे भी हक जात, नूर अकल इत क्या करे जित लदुन्नी को देखा। इंद्रावती जी की आत्मा के धाम हृदय में विराजमान होकर राजी कह रहे हैं कि ये निर्णय करना अर्ष का, परम धाम की शोभा का वर्णन करना संभव नहीं है। तिनवे भी हक जात, हक जात कौन है? श्यामा जी, सखियां, सभी हक जात हैं। नूर अकल इत क्या करे जित लदुन्नी गोते का, क्या अक्षर की बुद्धि का यह अधिकार है, अक्षर की बुद्धि में यह सामर्थ्य है कि श्यामा जी की शोभा का वर्णन कर सके? आप सागर ग्रंथ में देखेंगे श्यामा जी के नख से सिख तक का श्रृंगार वर्णित होता है। श्रृंगार ग्रंथ में नख से सिख तक एक एक अंग का वर्णन राज्य का हो रहा है, और सागर ग्रंथ में सुंदर सात का भी श्रृंगार वर्णित हो रहा है। उस वर्णन को करने की सामर्थ्य क्या अक्षर की जागृत बुद्धि में है, जब अक्षर ब्रह्म जिन सखियों के अनंत सौंदर्य में स्वयं को डूबा हुआ पाते हैं, वो स्वयं मुग्ध हो जाते हैं, तो उनकी बुद्धि की क्या समर्थ। ये वर्णन कौन कर रहा है? स्वयं राजी का वेश। लेकिन वो स्वयं कह रहे हैं नूर अकल इत क्या करे जित लदुन्नी गोते खार, कहते समय मुझे लड़खड़ाहट हो रही है कि इस माया की दुनिया में दृष्टांत कैसे दूं कि श्यामा जी का श्रृंगार क्या है, सखियों का श्रृंगार क्या है। ये जो इतना दहकता हुआ सूरज है, ये तो ऐसे करोड़ों सूरज आ जाएं तो श्यामा जी के एक नख के नूर में ही समाप्त हो जाएंगे, फीके पड़ जाएंगे। नूर को नूर जो नूर है किनमु कहूं रंग सोए, ऐसे नूरी स्वरूप का श्रृंगार कौन करा सकता है। जब उस प्रकृति से परे हम उस अवस्था में आ जाएंगे, स्वयं को उस रूप में देखेंगे, तो हमें कभी भी एहसास नहीं होगा कि रास ग्रंथ में जो ये आलिंगन शब्द आया है ये विकृत भावना का द्योतक है, अपितु जिस क्षण मूल स्वरूप की कृपा से आपकी आत्मा जागृत होगी, आप अपने अंतः चक्षुओं से राज्य को देख रहे होंगे, श्यामा जी को देख रहे होंगे, उसमें उस समय ऐसी अवस्था आएगी जैसे रास के वर्णन करते समय इंद्रावती जी की आत्मा को हो रही है, ये स्वर निकल रहा है, राज्य आप मुझे गले से क्यों नहीं लगा लेती, आपने इतना मनोहर रूप धारण किया है। तो क्या होता है कि ये मनोहर रूप हमें विवश करता है हमारी आत्मा को राज्य के प्रेम में डूबने के लिए। ये रास ग्रंथ हमें यही सिखा रहा है कि जो कुछ हम संसार में देख रहे हैं ये मोह जल है। हवे पहला को मोह जल्ली बात, तेता दुख रूपी दिननाथ, दावा नल बले कई भात तेड़ी केटली को विख्यात। विष्णु ने लागी जाड़े ब्राद का अर्थ क्या है? गर्म हवा बहती है तो सबको लगती है, साधु संत को भी लगती है, गृहस्थी को भी लगती है, राजा को भी लगती है। लोकेश्वरा वितेश्वरा दारेश्वरा की अग्नि सबको जला रही है। इससे पार पाने के लिए क्या तरीका है? हम राज्य के प्रेम में डूब जाएं, और रास की वाणी हमें प्रेम सिखा रही है। भूंडा जीव जाग जे रे, जय राम कंसारा को प्रबोधित करते हुए ये पांच प्रकरण उतरते हैं। हबसे में सबसे पहले श्यामा जी का स्वरूप उतरता है, अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकारे। मैं श्यामा जी के अखंड स्वरूप का वर्णन इस नश्वर तन से कैसे करूं? श्यामा जी के एक एक अंग का श्रृंगार उतर रहा है हबसे में, यहां से वाणी का उतरण शुरू होता है, और यह वाणी क्या कह रही है? एड़े पगले आपना चलिए, पगला एरे प्रमाण सुंदर साजी। इसका मतलब क्या? ब्रज से रास में जाते समय जिस तरह से हमने शरीर और संसार का मोह नहीं किया था, इस जागने के ब्रह्मांड में भी हमें चितवनी में अपने शरीर को मुर्दा कर देना है। मुर्दा करने का मतलब ये नहीं आप अर्थ मत लगा लीजिएगा कि जहर खा लेना तो राज्य मिल जाएंगे।
जो पहले आप मुर्दे हुए तिन दुनी करी मुर्दार, पहले आप मुर्दे होने का मतलब शरीर से नहीं मुर्दा होना, मन से मुर्दा होना। आपको पत्थर मारा गया, रोइए नहीं। आपको फूलों से लाद दिया गया, हंसिए नहीं। आप अरबोपति हैं, उछलिए नहीं। आप कंगालपति बन गए, रोइए नहीं। दृष्टा भाव से देखते रहिए। जब आपने सब कुछ सौंप दिया तो आप दुखी क्यों हो रहे हैं? जो सारी सृष्टि को चला रहा है उसको मालूम है कब क्या होना है। आपका कर्तव्य है केवल राज्य से प्रेम करना। अभी मेरा समय पूरा हो रहा है, मैं जल्दी से एक बात कह देता हूँ क्योंकि मैं नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहता। रास में एक चौपाई होती है, आनंदे रोता रमिए एम जेना लक्षण ते कहिए प्रेम। एक तरफ योगेश्वर श्री कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन देखो तुम भक्ति योग करो, यह नहीं होता है निष्काम कर्म करो योग करो, यह भी नहीं होता है सांख्य योग करो, ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग सांख्य योग सब समझा देते हैं, फिर भी अर्जुन को लगता है कि यह कठिन है, यह कठिन है, मैं क्या करूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन सर्वान धर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम प्रवच, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मुक्षिष्याम मासुच, चिंता न कर। यदि तुमसे सांख्य योग नहीं होता है, निष्काम कर्म योग नहीं होता है चलेगा, भक्ति योग नहीं होता है चलेगा, ज्ञान योग की राह पर तुम नहीं चल सकते तो भी चलेगा, बस इतना कर दो सबको छोड़कर माम एकम शरणम प्रवच, तू मेरे शरणागत हो जा, मेरी शरण में आ जा, सब कुछ सौंप दो। गोपियों ने सब कुछ अपने आराध्य को सौंपा। बांसुरी बज रही है, ये नहीं सोचा कि हमें क्या होगा, हमारा हमें क्या करना है, बस ये जहां बांसुरी बज रही है हमें उसके पास जाना है। एक एक विरह में डूबती जाती है, शरीर पल भर में छोड़ती जाती है। न पति का मोह रहा, न बच्चों का मोह रहा, न घर द्वार का मोह रहा, कुछ नहीं। जहां से उनके प्रीतम बुला रहे हैं वहां जाना है। जागनी लाल चलते चलते तो 400 साल से ज्यादा हो गए, क्या हमारे पास ब्रज वाली स्थिति है कि सागर सिंगार की वाणी बांसुरी से भी ज्यादा मीठी है। कभी आप एक एक चरण को आंखें बंद करके अंतःकरण की आवाज से सुनने का प्रयास करें तो पता चलेगा कि सागर सिंगार में कौन बोल रहा है, खिलवत में कौन बोल रहा है, परिक्रमा में कौन बोल रहा है, यह आवाज किसकी है, कभी आपने सुना है। रूहों रे मेरी, मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, ये कौन बोल रहा है। एक अक्षरातीत अपनी प्रियात्माओं को संबोधित कर रहा है। यदि हम अक्षरातीत के शब्दों को वाणी से पहचानेंगे, अपनी अंतर्दृष्टि खोलेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन रास के माध्यम से बिल्कुल सरल है। युद्ध के मैदान में जहां 18 अक्षौणी सेना बैठी है, खड़ी है, शंख ध्वनि हो चुकी है, अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है, अर्जुन की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। महारास में दृश्य होता है, राज्य अदृश्य हो जाते हैं, अब सखिया क्या करें, उनका प्राणेश्वर ही जब अदृश्य हो गया तो उनके लिए एक एक पल मृत्यु के समान घट रहा है। सबने निर्णय किया क्या, आनंदे रोता रमिए एम, रो आंसू बहाओ लेकिन हंसी के साथ, क्या संभव है। रोता कोई व्यक्ति कब है, जब कष्ट होता है तो। आनंदे रोता रमिए एम, एक एक शब्द पर आप ध्यान देंगे तो सारा दर्शन समझ में आ जाएगा कि रास में कितना तत्व ज्ञान छिपा है। सखियों को यदि अपने प्राणेश्वर को पाना है तो नाटक की लीला करनी पड़ेगी, रोना धोना बंद करना पड़ेगा। जो अब तक विरह में खोजती रही है नहीं मिला है तो भी ब्रज की सारी लीला का नाटक करना पड़ेगा। जैसे दही की लीला होती है, माखन चोरी की लीला होती है, कृष्ण के पास जाती हैं, वो सारी नाटक कर रही हैं, कृष्ण के पास जाकर हंस भी रही हैं, क्योंकि ब्रज में जो हंसी की लीला हुई थी, अंदर दुख है प्रीतम को खोने का, लेकिन हंस करके दिखाना है, कितनी कठिन परीक्षा ली जा रही है। आप कोई दुख में डूबा हो और उससे जाकर कहिए कि तुम खिलखिला करके हंस करके दिखाओ, उसको कितना बुरा लगेगा।
रास में कहा जा रहा है, आनंदे रोता रमिये एम जेनाते लक्षण कहिए प्रेम। लेकिन अब वो सखियां कर रही हैं कि इस यज्ञ करने से यदि हमारे प्रीतम मिल जाते हैं तो हम रोते हुए भी हंस करके दिखाएंगे, और वो कर रही है। मेरे कहने का आशय बात समझ गए। यदि योग माया के ब्रह्मांड में अपने प्राणेश्वर को पाने के लिए सखियां रोते हुए भी हंसने का नाटक कर रही हैं, आनंद पूर्वक रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं लेकिन हंसती जा रही हैं, उसी तरह से इस चाकनी ब्रह्मांड में आपको परमधाम की वाणी मिली है। परमधाम की वाणी लेकर अक्षरातीत आपकी आत्मा के धाम हृदय में विराजमान है। आप सुख में हो या दुख में हो, हर पल सोचिए हमारी आत्मा के हृदय में मेरा प्राणेश्वर रहता है, वह एक पल भी अलग नहीं हो सकता। नख से सिख तक श्रृंगार के साथ हमारी आत्मा के धाम हृदय में वो बसता है, और मुझे हर दुख की घड़ी में भी मुस्कराना है कि मैंने तो इस संसार को देखा है, मेरी देखने के लिए मेरी आत्मा हुई है। जीव सुख और दुख के बंधन में फंसा है, मेरी आत्मा न सुख में है न दुख में है, वो तो शाश्वत आनंद स्वरूपा है। और अक्षरातीत की आनंद स्वरूपा श्यामा जी की अर्धांगनी श्यामा जी की अंगरूपा में मैं दुखी क्यों हूँ? यदि मैं आज करोड़पति हूँ, कंगाल हो गई, तो मुझे रोने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि प्राणेश्वर तो मेरा है, धन मेरा नहीं है, संसार के रिश्ते मेरे नहीं हैं, संसार ने मुझे पत्थरों से मारा, तो मैं उदास होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार मेरा है ही नहीं। मेरा तो आराध्य मेरे हृदय मंदिर में बसता है, और जब तक मैं उस हृदय मंदिर में उसको देख नहीं ले सकती, मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। जो योगेश्वर श्री कृष्ण अध्याय 18 अध्याय कहकर अर्जुन को कुछ नहीं समझा सके, अर्जुन ने उसको जीवन में पूर्ण रूप से चरितार्थ नहीं किया होगा, लेकिन उन्हें तो केवल ये कहना था कि अर्जुन गांडी उठाओ, क्योंकि तुम्हें धर्म का पालन करना है। सारा ज्ञान देने के बाद कह रहे हैं कि तुम्हें गांडी उठाना पड़ेगा। हमें रास की एक सरल सी चौपाई सारा तत्व तो ज्ञान दे रही है कि आनंदे रोता रमिये एम जेनाते कहिए लक्षण प्रेम। हम प्रेम लक्षणा भक्ति की राह पर चलने वाले कहते हैं, लेकिन हम कभी दुखी होते हैं, कभी खूब खुशी दिखाने लगते हैं। राज्य को पाने के लिए सांसारिक दुखों के आंसुओं में आप मुस्कराना सीखिए। आप हमेशा ये रखिए, हर पल हर घड़ी हमारे साथ राज्य हैं, और उन राज्य को देखे बिना हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा होने वाला नहीं है। ऐसा कोई दिन न गुजरे, ऐसी कोई रात न गुजरे जिस दिन आपने अपने प्राणेश्वर को अपने हृदय मंदिर में निहारा न हो। सोते समय अपने आराध्य को अपने हृदय मंदिर में आत्मचक्षुओं से देख करके सो जाइए। उठिए सूरज उगने से पहले, अपने इस शरीर को भोजन देने से पहले अपनी आत्मा को उसका आहार दीजिए। नख से सिख तक सुबह में डुबो दीजिए। परिणाम क्या होगा? एक दिन ऐसी घड़ी अवश्य आएगी जब इतनी बैठे घर जागे धाम की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, और उसके लिए रास की वाणी आपको दर्शा रही है, जो गीता पढ़ने वालों के पास नहीं है। गीता की व्याख्या में न जाने कितने ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, कितनी भाषाओं में टीका हो चुकी है, लेकिन रास ग्रंथ की एक चौपाई हमने सच है, हमने ब्रह्मवाणी का महत्व आज तक नहीं समझा। यदि ब्रह्मवाणी का महत्व हमारे समाज ने समझा होता तो जिन कार्यक्रमों में करोड़ों रुपये पानी की तरह बहे जाते हैं, उनमें क्या वाणी की चर्चा नहीं होती? हमको वाणी ब्रह्मवाणी पर विश्वास ही नहीं है, हमको तो भागवत की किस्सा कहानी और गोपणों पर विश्वास है। वो भागवत की कहानियाँ जिसमें एक जगह कहा जाता है, मनु ने नाक छींक दिया, इच्छुओं को पैदा हो गया। राजा परिवर्त ने अपने रथ चला दिए, समुद्र बन गए। पूछा जाए नाक की छींक से इच्छुओं को कैसे पैदा हो सकते हैं? ऐसी असंभव बातें लिखी हुई हैं। चित्रकेत की 1 करोड़ रानियां थी, पूछा जाए 1 करोड़ रानियों से विवाह करने का उद्देश्य क्या था? शशबिंदु की 1 अरब संतान थी, पूरे भारत की जनसंख्या के बराबर एक व्यक्ति कैसे संतान पैदा कर लेगा? ये गपोड़े उस भागवत में लिखे हैं जिसकी आज आरतियां उतारी जाती हैं, जिसकी कथाएं कही जाती हैं। और हमारी ब्रह्मवाणी का एक एक चरण कितना महान तत्व ज्ञान देता है। समाज को आवश्यकता है ब्रह्मवाणी के तत्व ज्ञान को ग्रहण करने की। आज रास का दिन था, मैंने समय से 10 मिनट ज़्यादा लिया,
इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन उस प्रसंग को बताने से मैं मुझे ये बात करनी पड़ी, क्योंकि मेरा नियम होता है मैं एक मिनट भी अधिक बोलना नहीं चाहता। और आनंदे रोता रमी एम, इसकी चर्चा हो चुकी थी पहले, इसलिए मैंने इसकी चर्चा नहीं की। प्रसंग वैसे उसका दृष्टांत दे दिया, ये रास ग्रंथ आपकी जागने का एक द्वार खोलता है, आपके जीवन को उस राह पर ले चलता है जो स्वर्णिम है, धाम धनी पुकार कहते हैं, श्री महामत कहे ऐ मोमिनो तुम पर दम दम जो वर्तत, सो सब इस हक का पल पल मेहर करत, राजी आपसे प्रेम करते हैं करते रहेंगे, आप करें या न करें, राजी पल पल आपको देखते हैं, आप उनको देखना चाहें या न चाहें, आप एक कदम आओगे वो दस नहीं, मैं कहता हूँ सौ नहीं हजार कदम आएंगे, लेकिन अपने हृदय का द्वार तो खोलिए, अपना हृदय पहले उनको दीजिए, उसके बाद आप किसी को देते रहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पत्नी को दीजिए, पुत्र को दीजिए, मित्र को दीजिए, लेकिन पहले आपके हृदय पर अधिकार केवल राज्य का होना चाहिए। ये राज की वाणी सिखाती है। मेरा अनुमान है कि मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। ये एक चौपाई की चर्चा अभी पूरी हुई, रास के एक रास क्या, रास से क्यामत नमत तक की वाणी के एक एक चरण में अथाह ज्ञान का सागर भरा हुआ है। राज जी ऐसी कृपा करें कि हमारा समाज तो क्या सारा संसार ब्रह्मवाणी की महिमा को जाने और उसके ज्ञान सागर में डूबकर अपनी आत्मा को आनंद के सागर में डुबाएं।